पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शनिवार को अंबेडकर पार्क स्थित लाइब्रेरी में उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की एक शोक सभा आयोजित की गई। यूनियन के अध्यक्ष फहीम खान जी की माताजी, महासचिव रितेश द्विवेदी जी के चचेरे भाई राजकुमार विज और विनय अग्रवाल की बहन के देहांत पर शोक व्यक्त किया गया। सभा में यूनियन के सभी सदस्यों ने उपस्थित रहकर मौन धारण किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यूनियन संरक्षक संतोष गुप्ता ने बताया कि सड़क दुर्घटना में राजकुमार विज का देहांत हो गया था, जो पत्रकारिता जगत के लिए बड़े दुख की बात है। तो वहीं उन्होंने कहा कि यूनियन के अध्यक्ष फहीम खान जी की माताजी लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी, जिनका देहांत हो गया था। साथ ही यूनियन के महासचिव रितेश द्विवेदी जी के भाई का भी देहांत अचानक होने पर, तो वहीं विनय अग्रवाल की बहन का भी इलाज के दौरान देहांत हो गया था। यूनियन के सभी सदस्यों में शोक की लहर है। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपना शोक व्यक्त किया। श्री फहीम खान साहब की माता जी का जो स्वर्गवास 31 मई को हुआ था, उनके साथ ही हमारे दो अन्य पत्रकार, एक जनमनसा के संपादक राजकुमार बीच का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के कारण, और हमारे महामंत्री श्री रितेश द्विवेदी के छोटे भाई की मृत्यु हो जाने के कारण ये संयुक्त शोक सभा यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के की ओर से की गई, जिसमें 2 मिनट का मौन धारण किया है। और अब जल्द ही हमारे यूनियन के साथी तीनों उनके घर जाकर एक अपना शोक संदेश देंगे। हमारे यूनियन के जिला अध्यक्ष श्री फहीम खान साहब की वादा और विज साहब की एक्सीडेंट में मौत, और हमारे महामंत्री श्री रितेश द्विवेदी जी के भाई का एक्सीडेंट में मौत के ऊपर आज शोक सभा का आयोजन किया गया था। यहाँ सबने 2 मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की है और उम्मीद की है कि अल्लाह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके घर वालों। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।